भाई साहब, फाइनली पठान 2 का बहुत सारी मार्केट में न्यूज। पठान 2 रुकी, टाइगर वर्सेस पठान बनेगी या नहीं बनेगी, स्पाई यूनिवर्स का क्या होगा, फाइनली सारे सवालों का जवाब इस इंटरव्यू में अब्बास टायर वाला ने दे दिया साइरस को कि भाई पठान 2 इज कंफर्म। सारी बात आपसे करता हूं, क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। पठान 2, घुंघरू टूट गए राफे नाच, या दूसरा डायलॉग कुर्सी की पेटी बांध लो मौसम बिगड़ने वाला है, ये मतलब डायलॉग से अगर कोई मूवी आपको याद है ना, तो इसका मतलब डायलॉग राइटर में दम है। और अब्बास टायर वाला ये है डायलॉग राइटर पठान के। द स्टोरी इज कि इस इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया एडहॉक बेसिस पे कि भाई क्या चल रहा है मतलब स्पाई यूनिवर्स का, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर श्योर शॉट कंफर्म किया कि भाई पठान 2, वॉर 2 और किंग के डायलॉग वो लिख रहे हैं। तीनों ही मूवी, किंग ऑब्वियसली नॉट अ पार्ट ऑफ वायरस स्पाई यूनिवर्स, बट द मोस्ट एक्साइटमेंट इज फॉर राइट नाउ इज कि भाई वॉर 2 और पठान 2 तो कंफर्म हो चुके। देखो डायरेक्टर का अभी भी नहीं पता चला है, जो मार्केट में बात चल रही थी कि डायरेक्टर कौन होगा, मेरे हिसाब से तो सिद्धार्थ आनंद को छोड़ के कोई और डायरेक्ट इसको ना ही करे भाई, चाहे इसको एक साल डिले हो जाए, इसको सिद्धार्थ आनंद के हाथों ही रखो। बट डायरेक्टर स्टिल नॉट कंफर्म, बट द बिगेस्ट न्यूज इज फॉर शाहरुख खान फैंस कि पठान 2 आ रही है। एंड वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स, दोस्तों जितना मर्जी नेगेटिव बोल लो या सोच लो, और कुछ हद तक उन्होंने हरकतें ऐसी करी भी हैं कैमियोज वैमियोज को लेके, बट वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स, इन माई मल्टीपल वीडियोज आई हैव सेड दिस थिंग कि मैं अगर एक फ्रेंचाइजी को लेके बॉलीवुड में बहुत एक्साइटेड हूं, बिकॉज मुझे वो है वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स, मुझे उसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज दिखती है, स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बन सकती है स्टोरीज। यार आपके पास सलमान है, आपके पास पठान है, आपके पास टाइगर पठान और आपके पास कबीर है वॉर, अब आपने आलिया भट्ट को डाला है तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, अनिल कपूर भी ऐड हो चुका है, जॉन अब्राहम का पास स्टोरी भी, देयर आर मल्टीपल थ्योरीज जो वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स के अराउंड बन सकती है। बट आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं पठान की। देखो पठान 2 आ रही है, अभी मैं आपको बता दूं उसकी रिलीज डेट कंफर्मेशन का, अल्फा आएगी अभी आलिया भट्ट के साथ, उसके बाद आएगी वॉर 2, वॉर 2 अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग बात करना शुरू करेंगे उस मूवी के बारे में, बट वो आई थिंक 600-700 करोड़ वाले सेगमेंट में फर्स्ट मूवी बन सकती है, ये बात आज लिख के ले लो आप। वॉर 2 की बात कर रहा हूं, डायरेक्टर साहब भी उनके बहुत बढ़िया हैं। वॉर 2 के बाद जो प्लॉट रखा जाएगा वो रखा जाएगा पठान 2 का। अब टाइगर वर्सेस पठान इवेंचुअल फिल्म होगी इस फेस 1 की, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मेरी रिसर्च है, जहां तक मेरा लॉजिक कह रहा है, टाइगर वर्सेस पठान पठान 2 के बाद आएगी, एंड इट विल टेक पता नहीं कितने इयर्स, बट पठान 2 अगर वॉर अगले साल आती है, वॉर 2 यानी 2025 में, तो किंग 2026 में शाहरुख खान की आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल मत समझ के चलना कि किंग के साथ पठान 2 नहीं रिलीज हो सकती। हो सकता है किंग अगर इनिशियल फर्स्ट हाफ में रिलीज हो तो पठान 2 दिसंबर में रिलीज हो जाए, और हो सकता है 2027 में भी जाए, बट खुशी की बात यह है कि पठान 2 आ रही है। और अब्बास टायर वाला, देखो जब आप कूल डायलॉग्स लिखते हो ना, पठान में मतलब डायलॉग्स थे एंड इट वॉज देवर कूल, वो द फर्स्ट शॉट वेयर घुंघरू टूटे राफे नाच, और वो जो ऊपर बाल करके शाहरुख खान मारता है ना, वहीं पर ही भाई पैसे वसूलते हैं पहले 10 मिनट के अंदर। पठान मेनिया मैंने देखा हुआ हॉल के बाहर जाके, सिंगल स्क्रीन में जाके, मुझे ऐसा लगता है पठान, अगेन आई एम रिपीटिंग, की हिंदी सिनेमा को रिवाइव करने वाली फर्स्ट मूवी थी। शाहरुख खान वॉज बैक विद अ बैंग, द किंग इज बैक, किंग मतलब किंग मूवी के साथ भी और पठान 2 के साथ भी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं शाहरुख खान के साथ। मुझे कल खबर लग गई थी मेरे हाथ में ये वाली, बट मैंने कहा चल कल थोड़ा मैं कहीं गया हुआ था तो मैंने कहा आज इसकी वीडियो बनाऊंगा। पठान 2 किंग 2 कंफर्म्ड है शाहरुख खान की, इसके बाद कौन सी मूवी आएगी, साउथ के डायरेक्टर्स होंगे, ये होंगे वो होंगे, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट क्या लगता है आपको, एक्साइटेड हो या नहीं हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। शाहरुख खान की लाइनअप डिले हो रही है दोस्तों मैं जानता हूं, बट देर आए दुरुस्त आए, सबर का फल मीठा होता है, ही विल बी बैक एंड ही विल बी बैक लाइक अ किंग एज ही इज। बाय बाय।